धार पुलिस तथा क्राइम ब्रांच की विशेष टीम ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। टीम ने गिरोह के 4 सदस्य को हिरासत में लिया है तथा उनसे चोरी की गई 11 बाइक बरामद की है, जिनके बाजार कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस को अभी भी गिरोह के 4 सदस्यों की तलाश है। देखिए, पिछले कुछ दिनों से लगातार जो है मोटरसाइकिलें जिले से चोरी हो रही हैं और इस पे जो है हमारे जो दोनों एडिशनल एसपी हैं सचिन शर्मा जी हैं और राय सिंह नरवरिया जी हैं, इन्हें कहा गया था कि आप जो है एक कार्य योजना बनाइए और जो है जो चोरी हो रही है इसमें इसका अपने को खुलासा कर। इस पे क्राइम ब्रांच की टीम को एक्टिव किया गया था और उन्हें सूचना ये मिली थी कि कुछ बदमाश टांडा क्षेत्र के हैं और वो कोई गाड़ी का सौदा करने आ रहे हैं धार में, चोरी की गाड़ी है। इस पर से जो हुलिया बताया गया था नाकेबंदी की गई थी, 3 लोग उसमें से रोके गए थे और पूछताछ करने पे भागे। एक जो फक्का नाम का बदमाश है, टांडा का रहने वाला है, गेटा गांव है पटेल फलिया, वहां का रहने वाला, ये भागने में सफल हुआ। बाकी 2 लोग बसंत और एक मुकेश करके हैं, ये भी गेटा गांव के हैं। ये दोनों मोटरसाइकिल के साथ क्राइम ब्रांच की टीम द्वारा पकड़े गए। इनसे जब इंट्रोगेशन किया गया तो इनके द्वारा ये बताया गया कि महाराष्ट्र और गुजरात से मुख्यतः ये मोटरसाइकिलें चोरी करते हैं और डिमांड पे चोरी करते हैं। 2 इनके इंट्रोगेशन के बाद 2 नाम आए थे, एक शुभम भील और एक नीलेश करके है लड़का, जो नौगांव का रहने वाला है संभवतः। तो ये लोग जो है डिमांड पे गाड़ियां बुलवाते थे और उनका डिस्पोजल करते थे। इनके 4 साथी अभी भी जो है फरार हैं और उनके पकड़ में आने के बाद पूरी पूरी जो है संभावना है कि और भी गाड़ियां जब्त होंगी। इनके द्वारा बताया गया कि इनका जो गैंग है लगभग 50 से 60 मोटरसाइकिलें ये लोग चोरी कर चुके हैं और मुख्य रूप से इनका जो कार्य क्षेत्र है वो महाराष्ट्र और गुजरात का है। देखिए, एक तो पैसे कमाना चाहते थे, ये मूल कारण है। दूसरा जो है जो शौक हैं लोगों के वो भी पूरा करने के लिए इस तरह की घटनाएं करते रहे। अभी तक कुल 11 गाड़ियां जब्त की गई हैं जिनका मूल्य लगभग 10 लाख रुपए के आसपास है।